सर्दियों में लहसुन खाने से शरीर को मिलने वाले फायदे डबल हो जाते हैं, और अगर इसका यूज करके कुछ मजेदार फूड आइटम बना दिया जाए तो सोने पे सुहागा है। स्वाद भी लजीज और सेहत के लिए भी बढ़िया। इसी कड़ी में लहसुन अलसी की चटनी सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद पाई गई है। तो आइए फटाफट देख ले इसे घर पर बनाने की रेसिपी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप लहसुन की कलियां, 3/4 कप तिल, 2 टेबलस्पून अलसी, 8 से 10 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, नमक स्वादानुसार और आधा टीस्पून सरसों का तेल। सबसे पहले लहसुन की कलियां छीलकर अलग रखें। इसके बाद धीमी आंच पर एक पैन गर्म करें और उसमें सबसे पहले अलसी डालकर 4 से 5 मिनट तक भून लें। भूनने के बाद अलसी को एक प्लेट में अलग निकाल कर रख लें। अब पैन में तिल भूनें। इसके बाद मिर्च की डंठल तोड़कर 30 सेकंड तक भूनकर आंच बंद कर दें। मिक्सर जार में अलसी, तिल, लहसुन, नमक, तेल और मिर्च डालकर दरदरा पीस लें। आपकी अलसी लहसुन की चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी को आप 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। ये आपके खाने के स्वाद को भी काफी उम्दा बना देगी। रिपोर्ट, वीडियो डेस्क, न्यूज़ ट्रैक.com।